पहुंच गए भाई हम। अरे सब उतर रहे हैं, आंटी को लग गई। ऐसे नहीं सोचना, बुजुर्गों में लड़ाई नहीं होती, फुल ऑन लड़ाई होती है। आंटी ने झाड़ दिया अंकल। अपना लास्ट में जाएगा भाई, सबको उतरने दे। सब उतर जाएंगे तो हम जाएंगे, हमें तो यही आता है हमेशा भाई। जब तक आरती हो रही है, अभी 5 बजे हैं, तो आश्रम तो आ गया, तो प्रमाद की एंट्री मारनी। प्रमाद के फूड का तो मैं फैन हो गया भाई, समोसा। अभी आश्रम में कोई है नहीं, सब बाहर है आरती करने, तो मैं ही बस बाहर पहुंचने वाला हूं, क्योंकि अब खाने के तो मैं भाई बाबा जी की किचन का फैन हो गया हूं, तो सस्ता और अच्छा है भाई। ऋषिकेश तो बेस्ट, मतलब पसंदीदा जगहों में से एक हो गई अब। नटराजन पीछे, अब आपको सीधा लेके चलते हैं आरती की तरफ। हर शाम ऐसा ही माहौल होता है यहाँ पे। सिर्फ भगवान का नाम लीजिए मेरे दोस्तों, शाम हो गई है। पहुंच गया आरती में। भाई हम अपने भोलेनाथ के पास पहुंच गए हैं फिर से। अपने उसी जगह पे जाने की कोशिश कल वाली, और आरती का आनंद लेंगे हम। पेड़ लगाने का, पेड़ लगाएं और लगे रहें। 5 साल तक अपने बच्चों की तरह उनकी परवरिश करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे धीरे बंद करें, तभी मुझे लगता है कि सब चीजें बच पाएंगी। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, क्योंकि इंटरनेशनल ये आरती को लोग देखते हैं, वो भी संकल्प कर रहे होंगे। जितने आपके हाथ ऊंचे होंगे, उससे ज्यादा उनके हाथ ऊंचे होंगे। भारत माता की, गंगा मैया की, सा
सारी एंडिंग हो गई है, सब चले गए। मैंने वहां क्या मौका पे चौका मारा यार, मुंशी चिल्लर की भी फोटो ली हमने, सब बैकअप, आरती खत्म, हमारा म्यूजिक आनंद जो हमें बहुत पसंद है, संगीत उसके हमने 3 घंटे 2.5 घंटे संगीत को दिए अपने, बहुत अच्छा दिन गया। अब कुछ और एक्टिविटी करेंगे, करते हैं प्रॉपर बात। उस टाइम मैंने बंदे से, लड़का खड़ा था, मैंने उससे बोला, मैं कि भाई ये मेरा फ़ोन ले जाओ, उसकी ना फोटो खींच ला, मुंशी चिल्लर गया क्लोजअप। उसने गेट ही खोल दिया मेरे लिए, किस्मत अच्छी चल रही है ना, कह रहा भाई तुम खुद ही चले जाओ अंदर एंट्री। जब तक बाबा जी होते हैं तो हम उस पॉइंट तक एंट्री नहीं कर सकते ना, अगर कुछ ज़्यादा खास जान चाहना तो हम उस टाइम आ सकते जहाँ पे चिल्लर खड़ी थी। तो क्या फ़ोटो खींची, मैं तो उसको और भी बोलता, बट अब क्या करते हैं, अब आश्रम में हम जाएंगे, पीछे उन्हें हनुमान जी की मूर्ति। आनंद आया भाई, आई होप आप लोगों को भी आया होगा। कुछ मतलब आरती के बाद भी बहुत कुछ होता है, वो शायद मैंने डाला नहीं है, पर जो भी अच्छा आनंद रहा। हमने 2-3 घंटे अपना पूरा म्यूजिक को दिया, कानों में शांति दिल में शांति। ओके गंगा तेरा, जय शंकर की, ओम गंगाय नमः। भाई शूज डन, कल का प्लान क्या है वही बताता हूँ अभी, पर पहले शॉपिंग कर लें अपनी। एक हमने जैकेट लेनी है, इसके ऊपर एक और, क्योंकि बद्रीनाथ जाना है अर्ली मॉर्निंग और ठंड होगी बद्रीनाथ में, बर्फ माइनस टेम्परेचर चल रहा है -7-8, तो देखते हैं भाई। और ये रही हमारी दुकान जहाँ से मैंने खरीदनी है अपनी जैकेट, ये रही ये वाली लटकी हुई है ना, जो इनमें से एक खरीद रहा हूँ, ये वाली। भाई हमने जैकेट पसंद कर ली थी जाते ही, तुम्हें बताया नहीं, अच्छी लग रही है। मंदिर से पहले आरती करने से पहले जैकेट डिसाइडेड थी, रेट भी डिसाइडेड था, बस मैंने उठानी है, उसके बाद फिर आश्रम वापसी। भाई मैंने ये लिया जैकेट और ये शॉल, यो माय जैकेट माय शॉल, शॉल से मैं अगर ठंड लगी तो ये रख लूँगा, और जैकेट मेरी इस जैकेट के ऊपर भी आ जाएगी। चलो अब इनकी बिलिंग करते हैं। तो हे गाइस, तो भाई मैं आ गया वापस रूम में, वो क्या हवा चल रही है, क्योंकि आज बहुत कुछ किया यार मैंने, मतलब गंगा की वहाँ से ब्लॉग इसलिए नहीं बना क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज हो गई है फुल, और कल क्या कहते हैं तुम्हारा बद्रीनाथ जाना है, तो स्टोरेज का पंगा पड़ गया भाई।